बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट और ड्रामा निगार और पोलिटिशियन तारक अजीज़ साहब इस दुनिया पानी से चौरासी साल की उम्र में रुखसत हो चुके हैं तारिक अजीज़ साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न नीलाम घर से शहरत पाई इन्होंने कई साल तक इस प्रोग्राम की मेज़बानी भी की तारिक अजीज़ साहब पाकिस्तान के पहले न्यूज़ कास्टर थे इन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए मेज़बान तारिक अजीज साहब कौमी इसम्बली के रुकन भी थे वो उन्नीस सौ सतानवे में रुकन कौमी इसम्बली मुतकद हुए थे तारिक अजीज साहब अट्ठाईस अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को जलंधर में पैदा हुए थे इन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ किया था और 40 साल तक प्रोग्राम नीलाम घर की मेजबानी भी की थी इनकी पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज़ हुई थी इन्होंने सालगिरह कसम उस वक्त की कटारी चराग कहाँ रोशनी कहाँ हार गया इंसान में भी जौहर दिखाए थे मरूफ अदाकार तारिक अजीज ने उर्दू और पंजाबी में शायरी भी की थी तारिक अजीज़ के खिदमत के अतराफ़ में उन्नीस सौ बानवे में इनको तमगा हुसन कारकर्दगी से नवाज़ा भी किया तारिक अजीज़ को ये एजाज़ भी हासिल है कि पी टी वी की पहली अनाउंसमेंट भी इन्होंने की थी और ज़िंदगी के आखिर टी वी के साथ वाबस्ता भी रहे थे इनकी वफा पर फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता अदाकारों ने अफसोस का इजहार किया है और उनके वफा को कौमी असम्बली का नुकसान करार दिया जा रहा है और तारिक अजीज़ ने अपनी सारी दौलत पाकिस्तान के नाम कर दी है इ अल व इही राजून अगर आपने एक किंग वन टू थ्री टी वी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें शुक्रिया